दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे किले की बात कर रहे हैं जिसे राजस्थान की शान कहना गलत नहीं होगा। यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व और वैभव के साथ हमारे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले को देखने के बाद खुशवाहा राजपूती शान की अनुभूति होती है। यह किला रियासत के प्रतीक के रूप में कुशवाहा शासकों की आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण को दर्शाता है। ये किला हमें ये भी बताता है कि कैसे इसके शासकों ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन इस किले का मूल इतिहास धोखे और खून से लिखा गया है। इसके इस रक्त रंजित इतिहास को मिटा देने की काफी कोशिशें हुई, लेकिन इसका इतिहास आज भी दंत कथाओं द्वारा हम सब के बीच है। क्या है इस किले का वो काला इतिहास जो मीना समुदाय के रक्त से लिखा गया है? नमस्कार, मैं हूं द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और आइए जानते हैं आमेर किले के इतिहास को। दोस्तों, ये कहानी 1036 से पहले शुरू हुई, जब यह क्षेत्र ढूंढार के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मीना समुदाय के लोग रहते थे और शासन करते थे। मीना इस क्षेत्र के स्वदेशी लोग थे जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक संरक्षण के लिए जाने जाते थे। अरावली पहाड़ियों और उसके आसपास के इलाकों में बसे ढूंढार में मीना समुदाय लोगों की उपस्थिति प्राचीन काल से देखी जा सकती है। उन्होंने जीवन का एक अनोखा तरीका विकसित किया था जिसमें वे अक्सर कृषि, शिकार और अन्य पारंपरिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे। आगे चलकर इस क्षेत्र पर कुशवाहा राजपूत के योद्धा कबीलों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस पूरे टेकओवर की एग्जैक्ट टाइमलाइंस का पता कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दंत कथाओं के जरिए मीना और कुशवाहों की कहानी आगे बढ़ती रही। दंत कथा के अनुसार अभी जो आमेर क्षेत्र है वहाँ पे रालुन सिंह नामक मीना राजा का शासन था, जो बहुत ही दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा रालुन ने बहुत से कुशवाहा राजपूतों को अपने राज्य में शरण दी, लेकिन मीना राजा के इन उपकारों की परवाह न करते हुए कुशवाहा राजपूतों ने एक साजिश रची और दिवाली के दिन, जब सभी मीना समुदाय के लोग अपने पितृ तर्पण के अनुष्ठान में बिजी थे, तब कुशवाहा राजपूतों ने निहत्थे लोगों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। उन्होंने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर इस पर अपना कब्जा जमा लिया। कुशवाहा राजपूतों का यह कृत्य सबसे क्रूर माना गया है। इस नरसंहार के बाद मीना समुदाय द्वारा विकसित अधिकांश पुरानी संरचनाओं को तोड़ दिया गया। इसके बाद 1036 से लेकर 1315 तक कुशवाहा शासन का युग इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित करता है। इस अवधि में कुशवाहा शासन के तहत एक विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसने रियासत के उत्कर्ष की नींव रखी। अभी हम जिस आमेर किले को देखते हैं, इसकी नींव 1592 में राजा मानसिंह प्रथम, जो मुगल सेना के एक विश्वसनीय सेनापति थे, ने रखी थी। राजा मानसिंह प्रथम एक प्रमुख कुशवाहा राजपूत थे जिन्होंने अपने विभिन्न सैन्य अभियानों के जरिए मुगल बादशाह अकबर का विश्वास जीता था। राजा मानसिंह प्रथम की वफादारी और सैन्य उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए अकबर ने ढूंढार की रियासत उनको उपहार स्वरूप दे दी। 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने आमेर किले का निर्माण शुरू किया। एक पहाड़ी के ऊपर किले का स्थान रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, जिससे आसपास के क्षेत्र पर पूरी नजर रखी जा सकती है। आमेर किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है, जो उस समय के सांस्कृतिक मिश्रण को दर्शाती है। किले में जटिल डिजाइन, अलंकृत सजावट और अच्छी तरीके से योजनाबद्ध लेआउट है। वही किले की उबड़ खाबड़ और मजबूत संरचना राजपूत सैन्य तकनीक को दर्शाती है। राजा मानसिंह प्रथम के संरक्षण में आमेर किले का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। महलों, आंगनों और अन्य संरचनाओं को परिसर में जोड़ा गया, जो कुशवाहा शासकों की संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इसी दौरान इस किले में प्रसिद्ध शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल और शीला देवी मंदिर जैसे उत्कृष्ट निर्माण किए गए, जिससे ये किला न केवल एक सैन्य गढ़ बना बल्कि समृद्धि और भव्यता का प्रतीक भी बना। 1614 से लेकर 1621 तक राजा मानसिंह प्रथम के पुत्र जयसिंह प्रथम ने अपने पिता की विरासत को जारी रखा और किले के भीतर वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंडलों, मंडपों और आंगनों सहित अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण का काम शुरू किया, जिससे किले की समृद्धि और वास्तुशिल्प भव्यता में योगदान हुआ। उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल और शीला देवी मंदिर का रिनोवेशन भी करवाया।
और साथ ही उनके शासन के दौरान यह किला कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को आकर्षित करते हुए कलात्मक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया। राजा जयसिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान यह किला सैन्य और सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कलात्मक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। 17वीं सदी आमेर किले के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र को संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। जब मुगल बादशाह औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा तो उसने इस्लामी रूढ़िवाद नीतियों को लागू करना शुरू किया। औरंगजेब की रूढ़िवादी धार्मिक नीतियों को लागू करने के प्रयास ने आमेर के कुशवाहा राजपूत, जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, के साथ तनाव पैदा कर दिया। इस्लामिक कानून को लागू करने और गैर मुस्लिम प्रथाओं को दबाने के मुगल सम्राट के प्रयासों के कारण विभिन्न रियासतों में असंतोष फैल गया। खुशवाहो और औरंगजेब के बीच प्रमुख संघर्ष 1667 से 1668 के बीच हुआ, जब औरंगजेब की सेना ने आमेर किले की घेराबंदी कर ली। संघर्ष के बावजूद कुशवाहा राजपूतों ने आखिर में औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते में कूटनीति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुशवाहा शासक मुगलों के साथ जटिल संबंधों को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। इसके बाद सवाई जयसिंह द्वितीय, जो 1727 से 1750 तक कुशवाहा राजपूत शासक रहे, उन्होंने राज्य की राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे के प्रमुख कारण को पानी की उपलब्धता को माना जाता है। सवाई जयसिंह द्वितीय की वास्तुकला विरासत पूरे जयपुर में देखी जा सकती है। उन्होंने जयपुर सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर और जय निवास गार्डन सहित कई प्रतिष्ठित संरचनाओं का निर्माण करवाया। कुशवाहा राजपूतों की राजधानी जयपुर शिफ्ट हो जाने के बावजूद आमेर किले में सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं में निरंतर विकास देखा गया। आगे चलकर इस किले ने हमारे देश में ब्रिटिश राज देखा और फिर इस किले ने हमारे देश की आज़ादी भी देखी, और आज़ादी के बाद से राजस्थान में स्थित ये किला हमारे देश के कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ जाने से आप हमारे देश के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।